हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सौ का शो डाउन। और हम ऑलमोस्ट कैन यू कैटेगरीज को रैप अप करने वाले हैं। तो अभी तक जितने भी लोगों ने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं और एकदम कंफ्यूज हो यार कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा कॉलेज नहीं, फटाफट जाके सारे वीडियोस देख लो, बिकॉज आप लोगों के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है सौ का शो डाउन की। आप एक गो में सारे वीडियोस क्विकली देख सकते हो, अपने फटाफट पॉइंटर्स बना लो और फिर एकदम डिसिसिवली चूज करो कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। मैं स्मृति शर्मा, लीगल एज की सीनियर मेंटर, और आज मैं आपको एकदम जर्नी दिखाने वाली हूँ HPNLU शिमला की, दैट इज हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये कॉलेज कंपैरेटिवली बहुत नया है और जितने भी NLUs की बात अभी हम कुछ सेशंस में कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे बहुत नए NLUs ही हैं, काफी कंपैरेटिवली नए बने हैं। तो बहुत पुराने NLUs के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो उनके पास में प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इंटर्नशिप रिकॉर्ड का बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इधर या तो स्टूडेंट्स जो अभी वहां पे पढ़ रहे हैं उसके रिव्यूज के हैं, या फिर इन जर्नली जैसा ही कॉलेज बाकी कॉम्पिटिशन वगैरह में परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे है। सो NLU शिमला की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो NLU शिमला के बारे में आप लोगों को टेंटिवली पता होंगी अभी तक, या आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा, बिकॉज क्लैट 2023 में आप लोगों में से बहुत लोगों को HPNLU शिमला अलॉट हुआ होगा। ओके सो आप लोगों ने गूगल कर लिया होगा, देख लिया होगा कि यार क्या मस्त वादियों में हमारा कॉलेज दिखने वाला है, पहाड़ों में जाके कॉलेज में सेटल होंगे। तो दैट्स यस अ वेरी प्लस पॉइंट कि आप शिमला में कॉलेज में हो तो आपको सीनरी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है, ये तो विदाउट एनी डाउट है। सो एक बहुत प्लस पॉइंट कि घूमने कहाँ जाओगे पहाड़ों में, तो कॉलेज से बाहर निकलते ही इतना ज्यादा ब्यूटीफुल आपको सीनिक सीन ये देखने को मिलेगा कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे पिक्चर जो मेरे पीछे उसमें देख भी पा रहे होंगे कि एकदम कॉटेज स्टाइल में बना हुआ है पूरा का पूरा HPNLU शिमला। ओके इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016, सो द वेरी फर्स्ट बैच वाज पास्ड आउट इन 2021 इटसेल्फ। सो बहुत ज्यादा बैचेस पास आउट नहीं हुए, एक 21 में और एक 22 में, और 23 का एक बैच पास आउट होगा इस साल। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे HPNLU शिमला से, बट अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो टेंटेटिवली पता चला है कि एवरेज प्लेसमेंट 2021 बैच का 5 से 8 लाख के बीच में है। ओके सो इट्स अ गुड स्टार्टअप प्लेसमेंट कि अगर फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा सा एवरेज प्लेसमेंट इस तरीके का है। पर कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्योंकि अभी लोकेशन का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि पहाड़ों में चीजें बनाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल चीज होती है। दूसरा, बहुत ब्रांड न्यू कॉलेज है तो पुराने NLUs के कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट पे HPNLU शिमला है, बट दे आर स्टिल वर्किंग द एंटायर प्रॉपर्टी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। कुछ सेट बन चुके हैं, कुछ सेट अभी तक बन रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज इट्स अ गुड कॉल टू गो फॉरवर्ड विद फॉर द पीपल जो रहना चाहते हैं अपने आने वाले 5 साल पहाड़ों में। सो बिल्कुल HPNLU शिमला को जरूर प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्लैट के थ्रू एडमिशन होगा और आपकी 12th की परसेंटेज जो है वो 45 फॉर जनरल कैटेगरी, SC ST OBC कैटेगरी एंड के लिए 40% होनी चाहिए। तो 45-40% का वेरिएशन है। सो अभी तक जिन लोगों ने 12th नहीं दिया है मेक श्योर कि इससे ऊपर परसेंटेज लेकर आना, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा कॉलेज जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है वो है आपका BA LLB BBA LLB। ओके तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में ये दो कोर्सेज प्रोमिनेंटली वो लोग देते हैं। इसके अलावा LLM है, PhD है, LLD है, दैट इज अनदर सेगमेंट जो आने वाले आप कुछ सालों में शायद और भी एक्सप्लोर करना चाहोगे, पर अभी के लिए BA LLB और BBA LLB दो सेगमेंट दिए जा रहे हैं। इट्स अ गुड पॉइंट कि वो लोग एक से ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो अभी भी BA LLB ही दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड बंच ऑफ ऑप्शन दे रहे हैं। और जिस हिसाब से हमारा लीगल करियर ग्रो कर रहा है वी नीड टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर इन लॉ फील्ड। सो BA BBA LLB कॉलेजेस लाइक GNLU गिव्स यू BSA LLB, TNNLS गिव्स यू BCom LLB, GNLU BSW भी देता है। सो बहुत सारे होराइजन ओपन है, तो यूनिवर्सिटी को वहां थोड़ा सा इंक्लाइन होने की जरूरत है कि अब वो मल्टीपल कोर्सेज आपको प्रोवाइड करें। ओके मूविंग अहेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है तो एकदम देख लो पीछे मस्त
सीन है पहाड़ों का, तो ये वाइब तो आने वाली है कि हम 5 साल की लंबी वेकेशन पे जाएंगे अगर HPNLU शिमला में जाते हैं तो। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साउंड करता है कि हाँ यार HPNLU शिमला, बट अदरवाइज कंपैरिजन में बाकी सारे एनएलयू के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा ग्रोइंग स्टेज पे है, स्लो ग्रोइंग स्टेज पे। ओके, लोकेशन की अपन बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी गंडल करके शिमला मंडी के पास में एरिया है, वहां पे HPNLU शिमला है। तो शिमला से भी दिस इज अनदर 22 किलोमीटर, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इज नॉट कोर शिमला, बट 22 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात होती है रोज अप डाउन करने के लिए भी। HPNLU शिमला का कैंपस जो है अभी काफी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वगैरह से वो लोग डेवलप कर रहे हैं। दे हैव जिम्नेजियम, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस एंड अदर कोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। देन दे हैव अ लाइब्रेरी विद अराउंड 8,000 डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शन ऑन डिफरेंट जॉनर्स। सो इट्स अ गुड टू गो, इट्स अ गुड हेड स्टार्ट, बिकॉज हर एक NLU की आप ये मानो कि हार्ट एंड सोल होती है उसकी लाइब्रेरी। तो अगर लाइब्रेरी बहुत अच्छी है तो आपके अंदर का लॉयर एकदम खुश रहेगा कि हाँ यार चलो कोई और चीज हो ना हो, लाइब्रेरी बहुत अमेजिंग मिल गई है मुझको। सो यस, सो दे हैव स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड फुटिंग, दे हैव वेरी गुड एंड स्पेशल प्लेस फॉर देयर लाइब्रेरी, दे हैव रिक्रिएशनल फैसिलिटी की जगह भी, एवरीथिंग। बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कुछ इमेजेस, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू स्किप दिस पार्ट, आप आराम से देखो, बिकॉज दिस इज हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर ऑल द पीपल हु इज चूजिंग NLU शिमला एंड टू गो फॉरवर्ड विद इट। सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ योर क्लास रूम्स, लाइब्रेरी, रिक्रिएशनल एरियाज एंड एवरीथिंग। ओके, कमिंग बैक टू माई पॉइंट दैट आई वाज रेजिंग, कि कुछ चीजें अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली अगर अपन हॉस्टल्स की बात करें तो अभी HPNLU शिमला के केस में ये भी बात है कि वो लोग बॉयज हॉस्टल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग उन लोगों ने कहीं हायर कर रखी है, उसी में चला रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट ईयर उन लोगों ने टेंटेटिवली बताया था कि दिसंबर 22 तक वो लोग रैप अप कर देंगे, सो आई थिंक इट इज ऑन द वर्ज ऑफ इट। सो गर्ल्स हॉस्टल का जो ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड हो गया है। सो जो भी लोग अब 6 महीने बाद वहां जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप HPNLU शिमला जा रहे हैं, सो फॉर द गर्ल्स स्पेशली you will get a chance to live in the hostel itself, and for the boys they're still owning some hired building, or usi hired building mein they are running up the hostels. Every hostel will come up with a separate mess and expected to be accommodating a lot of students, ठीक है। तो बॉयज हॉस्टल का भी उन लोगों ने बोला था कि टेंटेटिवली हम इस ईयर एंड तक कर देंगे, पर अभी तक कुछ अपडेट नहीं है वेबसाइट पे। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले बच्चों के लिए अब वो हायर बिल्डिंग से शिफ्ट होके अपने खुद के हॉस्टल्स में जा सके। इसके अलावा द हॉस्टल रूम विल हैव बेड्स, टेबल्स, चेयर्स, अलमीरा, ये सारी बेसिक एमिनिटीज आपको ऑलमोस्ट हर कॉलेज देता है एक्सेप्ट फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ देम, जो कि आप लोगों को एनिमिटीज बोलते हैं कि आप लोग खुद अपने एंड पे लेकर आनी पड़ेगी। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी कोर रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, नेशनल और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी ऑलमोस्ट सारी हैं, और वो लोग आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये सारी चीजें तो हम प्रोवाइड करेंगे, बट आपका बेडशीट, पिलो कवर एंड बुक्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू कैरी योर सेल्फ। ओके, सो इट्स अ गुड टू गो कि अभी थोड़ा हायर बिल्डिंग पे, पर ग्रेजुअली दे विल शिफ्ट। तो आपके बैच के लिए इट्स अ गुड कॉल, इट्स अ गुड आस्क कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग खुद की बिल्डिंग में ही जाने वाले हैं, अनलाइक सम NLUs लाइक MNLU मुंबई जो कि अभी भी थोड़ा सा रेंटेड बिल्डिंग में ही अपने हॉस्टल्स और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रहे हैं। ओके, नाउ हैव अ लुक एट द कोर मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज। आप लोग स्क्रीन के पीछे देख सकते हो, देर आर 3 पीपल आर मेनली इन्वॉल्व इन द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दैट इज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर निष्ठा जायसवाल, देन वी हैव एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज द चांसलर। नाउ चांसलर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, होल एंड सोल पर्पस जो होते हैं वो वाइस चांसलर और आपके रजिस्ट्रार होते हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर एस एस जसवाल है। ओके, सो दीज 2 पर्सन विल बी हैंडलिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। सो दीज आर द टॉप मैनेजमेंट हु विल बी रनिंग द HPNLU शिमला। सो हो सकता है आपको कैंपस में लोग देखने को भी मिले। ओके, तो पहले से एकदम नाम वाम और उनके बारे में पढ़ के जाना, ताकि आप लोग भी एक अच्छा इंप्रेशन बना सको कि हाँ यार हम लोग जानते हैं लोगों को, दीज आर द पीपल दैट वी हैव टू लुक अप टू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टोटल सीट्स कितनी है HPNLU में और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
पहले हम BBA LLB की बात करते हैं, तो BBA LLB की अप्रोक्सीमेटली 60 सीट्स है। HBNLU शिमला ने इस साल भी ऐसा किया था कि वो लोग दो सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे पूरे एप्लीकेशन प्रोसीजर को, जिसमें BBA के लिए अलग सीट्स फिल होंगी और BA के लिए अलग सीट्स फिल होंगी। सो BBA में दे हैव अप्रोक्सीमेटली 60 सीट्स, एंड 60 सीट्स का डिवाइड कुछ इस तरीके से है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 46 सीट्स है, एसटी कैटेगरी की 9, एससी कैटेगरी की अनदर 5। नाउ इन दिस कैटेगरी देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एंड आई होप कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सबको क्लियर है। ओके, सो देयर सर्टेन सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब इन सीट्स में से भी PW वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ये अमाउंट ऑफ 21 सीट्स रिजर्व रहेंगी। सो आपके टोटल सीट्स में से 21 सीट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्व रहेंगी। उसके अलावा कुछ सुपर न्यूमरी सीट्स है, दैट इज ऑन एंड अबव। ओके, सो कश्मीरी माइग्रेंट की अप्रोक्सीमेटली 3 सीट्स है, रेजिडेंट्स ऑफ JNK के लिए 2 सीट्स है, NRI एंड फॉरेन नेशनल के लिए 9 सीट्स है। ठीक है, सो फॉर ऑल द पीपल सीइंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव सीन ऑल ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो, वी हैव बीन रीइटरेटिंग दिस, सुपर न्यूमरी सीट्स के लिए बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखना कि सारे NLUs में जहां भी आपको सुपर न्यूमरी सीट्स के लिए अप्लाई करना है, मतलब आप लोग इन कैटेगरीज में अगर कहीं फॉल करते हो, उनकी पर्सनल वेबसाइट्स पे जाके जरूर चेक करते रहना। ये मत एक्सपेक्ट करना कि क्लैट कंसोर्शियम कोई नोटिफिकेशन निकालेगा, तो इस चीज का बहुत क्लियरली ध्यान रखना। आप लोग को रेस्पेक्टिव NLUs की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे चेक करना है, सुपर न्यूमरी का आइडिया वहीं से मिलेगा, उनकी एप्लीकेशन कब ओपन होंगी, कैसे सबमिट होनी है, वो सब NLUs अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताते हैं। तो जस्ट मेक अ मेंटल नोट एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो लोग ये चीज मिस कर देते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इस चीज का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मूविंग फॉरवर्ड विद द अनदर राउंड ऑफ सीट्स, दैट इज BALLB। टोटल नंबर ऑफ सीट्स BALLB की अगर अपन बात करें तो 120 सीट्स के आसपास है। 120 सीट्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। अब आप लोग थोड़ा इसे टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हो कि जो BBALLB की 60 सीट्स का डिवीजन था, उसका अप्रोक्सीमेटली डबल है हर सीट्स का डिवीजन। तो जनरल कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 93 सीट्स, ST 18, SC 9, एंड देन वी हैव हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ अराउंड 42 सीट्स। कश्मीरी माइग्रेंट रेजिडेंट्स ऑफ JNK, NRI फॉरेन नेशनल की अनदर राउंड ऑफ सुपर न्यूमरी सीट्स अप्रोक्सीमेटली डबल फ्रॉम द प्रीवियस वन। ओके, सो आपका BA और BBALLB में इस तरीके से डिवीजन हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 180 के आसपास है। ओके, सो इट्स अ ह्यूज बंच ऑफ सीट्स जो NLU शिमला प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो इट्स अ गुड कॉल, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लग रहा है कि यार NLU टैग के साथ में अगर मुझे शिमला मिल रहा है तो इट्स अ वेरी 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 गुड कॉल फॉर दैट। बट कट ऑफ क्या जाएगी, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्लोजिंग रिंग कैसे वेरी करेगी, उस पे थोड़ी सी आप नजर डालते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है, क्लैट 2023 का ऑलरेडी लिस्ट और डेटा आ चुका है, सो सेकंड लिस्ट तक का टेंटेटिव आइडिया आप लोगों को है। फिफ्थ लिस्ट तक क्लोजिंग रैंक कैसे जा सकती है, कितनी शफल होगी, वो आपको थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया इस स्लाइड के बाद पता लग जाएगा। सो कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो 2020 में स्पेसिफिकली 1630 के आसपास रैंक गई थी और स्कोर था 73.5। 2009 रैंक गई थी 73.575 के स्कोर के आसपास 2021 में। 2022 में 2477, 2477, ओके 2477 के आसपास जनरल कैटेगरी की रैंक गई थी। देन एससी कैटेगरी वाज 11,400, 13,000 एंड 13,057। सो अप्रोक्सीमेटली 11 से 13,000 के बीच का वेरिएशन विद अ स्कोर ऑफ 47 to 41.5। ओके, तो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी भी कॉलेज नहीं मिला है, क्या चांसेस है, आप थोड़ा सा इससे टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हो कि कितना शफल होती है, बिकॉज दिस आर द क्लोजिंग रैंक। जो 2020, 2021 और 2022 की क्लोजिंग रैंक है, ये वो क्लोजिंग रैंक है जो आपको पांचवी लिस्ट के बाद मिलती है। ओके, तो अभी तक अगर नहीं मिला है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक अभी तक मिल चुका है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यार थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिस्ट में शफल होने के चांसेस हैं। एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि जो लोअर NLUs जनरली होते हैं, टॉप 5, 6, 7 जो एस्टैब्लिश्ड NLU हैं, उनके बाद में जो NLUs होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हेवी शफलिंग होती है रैंकिंग में, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं वो भी एक पैरेलल पे चल रहे हैं, तो बहुत सारा शफलिंग उधर होती है कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। तो जस्ट कीप अ लिटिल नोट ऑफ इट।
एसटी कैटेगरी की 16,000, 25,000, 22,000 टू 22 से लेके 25,000 के बीच में रैंकिंग वी कैन एक्सपेक्ट. एंड जनरल कैटेगरी फॉर हरियाणा, फॉर हिमाचल प्रदेश, आई एम सॉरी, हिमाचल प्रदेश के जो डोमिसाइल है उनकी रैंकिंग 50,000, 11,000, 15,500 के आसपास है. 2022 में उन लोगों ने स्कोर नहीं रिलीज किया था, इसलिए ये बॉक्सेस भी अभी ब्लैंक है. पर 2023 में भी उन्होंने नहीं किया है, तो आप लोग को स्कोर का भी टेंटेटिव आइडिया नहीं लगेगा, बट आप लोगों को अपने स्कोर का आइडिया है. ओके, सो फॉर ऑल द पीपल हु हैज गॉटन एनएलयू शिमला, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, ताकि पता चले कि यार किस रैंक पे कितना स्कोर गया है, और आपके एक फेलो क्लैट एस्पिरेंट को पता चल सके कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी रैंक, अपने स्कोर पे. और अगर कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनएलयू शिमला में पढ़ रहा है और कोई भी ऐसा अपडेट हुआ है रिसेंट कुछ दिनों में एनएलयू शिमला के अंदर, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है एनएलयू शिमला में और क्या हम अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज कुछ कुछ एनएलयू के साथ में थोड़ा सा केस है कि वो लोग अपनी वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं करते हैं, ब्रोशर में डेटा भी बहुत पुराना होता है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से ब्लाइंड साइडेड हो जाते हैं कि क्या बच्चों के पास में सही डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा. तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी एचपीएनएलयू शिमला के एलुमनाई हैं, तो आप लोगों के जूनियर्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगी. सो डू डू कमेंट इन द बॉक्स. ओके, अब बात करते हैं कि भाई शिमला जाने का खर्चा कितना होने वाला है. सो अप्रोक्सीमेटली जैसे कि बाकी एनएलयू की फीस भी 2-2.5 लाख रुपए तक वेरी करती है, सेम इज द केस विद शिमला. 2,35,500 की पर एनम फीस है. इसमें कुछ वन टाइम चार्जेस भी होते हैं जो आपको टूवर्ड द एंड ऑफ 5 ईयर्स हर साल नहीं पे करने पड़ते, और कुछ रिफंडेबल होते हैं जो एंड में वापस भी मिल जाते हैं. तो बहुत सारा अमाउंट ऐसा होता है. इसकी क्लैरिटी के लिए मेक श्योर दैट आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें, और वो जो भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन निकालते हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करें कि कौन सी फीस कैसी है, कितने पेमेंट्स वन टाइम है, कितने रिफंडेबल हैं, और मुझे अभी क्या पे करना है. बिकॉज अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी फीस भी पे करना स्टार्ट कर दिया होगा. ठीक है, सो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना. क्लैट कंसोर्शियम पे इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि अकेडमिक से भी इम्पॉर्टेंट होता है और साइमल्टेनियसली काम करना जरूरी है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कमिटीज, क्लब्स और इन सब में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें. ओके, अब इन जनरल अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो बहुत ज्यादा डेटा एचपीएनएलयू शिमला के बारे में अवेलेबल नहीं है कि कोई मूट कोर्ट या बहुत ज्यादा कोई रिनाउंड कॉम्पिटिशन अभी जीता हो एचपीएनएलयू के बच्चों ने. ठीक है, सो मे बी द केस कि दे आर स्टिल ऑन अ ग्रोइंग स्टेज और बहुत लर्निंग स्टेज पे है, कोई एलुमनाई डेटाबेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अभी भी वो लोग थ्रो स्लोली स्लोली इस फील्ड में थोड़ा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर रहे हैं. ठीक है, बट नॉट अ बिग डील. वी कैन सी दैट दे हैव बीन डूइंग गुड इन एटलीस्ट इन देयर यूनिवर्सिटी स्पेस. ठीक है, सो देयर सम ऑफ द ग्लिम्स दैट वी सॉ. इसके अलावा सेंटर्स और क्लब्स की अगर अपन बात करें तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिव और अवेलेबल हैं एचपीएनएलयू शिमला में. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉ, बिजनेस, इकोनॉमिक सेंटर्स, कॉर्पोरेट पब्लिक सेंटर, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, पार्लियामेंट्री स्टडीज, एडवोकेसी, कोर्ट मैनेजमेंट, जजमेंट राइटिंग का भी सेंटर है. सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट वी हैव लुक फॉरवर्ड विद, बिकॉज बाकी सारे एनएलयू की अगर अपन बात करें तो हर किसी के सेंटर वेरी करते हैं, हर किसी के सेंटर डिफरेंट होते हैं, पर जजमेंट राइटिंग और एडवोकेसी का सेंटर भी हमने बहुत रेयर सुना है. ओके, देन वी हैव चाइल्ड, विमेन राइट सेंटर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. आई रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट जो किसी भी एनएलयू में जा रहे हैं, ऐसी कोई ना कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना जरूर, वो आपकी सीवी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है. ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यार ये सारे सेंटर्स कहीं ना कहीं हम ज्वाइन करेंगे और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे आने वाले 5 साल में. बिकॉज इन द एंड कॉलेज किसी भी रैंक का हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आप 5 साल में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उससे सारा गेम चेंज हो जाएगा. ओके, सो मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो 5 साल किसी भी कॉलेज में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, चाहे आप एनएलएसआईयू बैंगलोर में हो, चाहे शिमला में, सोनीपत, जेएनएलयू, कहीं भी. ठीक है, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, किसी भी रैंकिंग पे हो, अपना बेस्ट देना. ओके, नाउ बिफोर वी रैप अप दिस सेक्शन,
another round and another section of soccer showdown. Let's answer some last FAQs. That is, first, which is the better option, MET Law School in Delhi or HPNLU Shimla? Okay, so I would recommend you, in comparison to an NLU and a non-NLU सेगमेंट, एमिटी लॉ दिल्ली के पास में एक प्लस पॉइंट है कि हाँ वो दिल्ली लोकेशन पे है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली को ही बिलोंग करते हैं, दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करते हैं, वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऑफन एमिटी लॉ को ऊपर रखते हैं. एंड द कॉलेज इज परफॉर्मिंग प्रीटी डिसेंट एज वेल. बट एनएलयू शिमला इज अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो उसका एक अपर एज एनएलयू शिमला को जरूर मिलना चाहिए और मिलता है. तो ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द अमंग ऑल द यूनिवर्सिटी, इफ यू आर कंफ्यूज, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एचपीएनयू शिमला को ऊपर फुटिंग पे रखो इन कंपैरिजन टू एमएटी. बट अगर हमारा पहले से कोई बायस है कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, मुझे दिल्ली एनसीआर में ही रहना है, सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट यू कैन प्रेफर एमएटी लॉ एज वेल. दीज आर दे आर डूइंग प्रीटी डिसेंट. आर देयर एनी नोन और फेमस एलुमनाई ऑफ एचपीएनएलयू? हाउ इज दी एलुमनाई नेटवर्क नॉट सो स्ट्रॉन्ग येट? बिकॉज जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, 2021 में पहला बैच पास आउट हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एनएलयू शिमला से. ओके, सो ग्रेजुअली मे बी 5 ईयर डाउन द लेन, जब 4 5 6 बैचेस पास आउट हो जाएंगे और जिस बैच को फर्स्ट पास आउट बैच है उस बैच के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे कहीं स्टेजर पे पहुंच जाएंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब एलुमनाई बेस स्ट्रांग हो गया है. एलुमनाई बेस बनाना अपने आप में बहुत स्ट्रगल होता है, ठीक है? सो डोंट यू नो जस्ट रिलाई ऑन दिस सिंगल फैक्टर. इन एनी केस यू आर गेट विल बी गेटिंग एन एनएलयू टैग, सो हैंड्स डाउन टू दैट. एंड इफ यू आर एबल टू मेक दैट, देन यू आर ऑलरेडी विन हाफ ऑफ द रेस. ओके, सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको जो भी डाउट था एनएलयू शिमला के बारे में, आई होप कि आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया. अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताना व्हाट ऑल यू गाइज आर थिंकिंग, ताकि कोई ना कोई एलुमनाई या कोई ना कोई लीगल एज का मेंटर आपको यहाँ पे हेल्प कर सके. एंड फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.